मेरा नाम आकाश चौधरी है, मेरी बहन निकिता चौधरी इस ये 15 मार्च से मतलब 10 बजे से इसका 6 बजे तक ऑफिस रहता है, तो उसके बाद से घर पे आई नहीं है। तो हमने डेली मतलब कॉल करे थे उनको, कंटिन्यू कॉल किए, फिर भी रिंग जा रही थी, वो उठा नहीं रही थी। तो ऐसे ही सबने कॉल किए, फ्रेंड्स वगैरह ने, तो 10 बजे तक वेट किए। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में गए, आना पड़ता पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने हमको लोकेशन दिया था, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था, टावर लोकेशन था। हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे वहाँ पे, तो उसका कुछ पता नहीं चला वहाँ पे, तो हम 2 बजे रिटर्न आ गए वहाँ लोकेशन से। तो दूसरे दिन भी कॉल चालू था, मतलब मोबाइल चालू था, रिंग जा रही थी। तो पुलिस लोग ने भी एक्शन लेना चाहिए, लाइव लोकेशन देना चाहिए, तो उन्होंने हमको लाइव लोकेशन दिया नहीं, जल्दी एक्शन कार्रवाई की नहीं उनने। तो हम लोग शाम को मैडम के साथ, संगीता मैडम है और गायगोले सर, ये सब के साथ हम लोग दूसरे लोकेशन पे गए जो सर ने दिए थे। वहाँ पे हमको निकिता की डेड बॉडी मिली, जली वाली डेड बॉडी मिली। फिर ये जो आरोपी है, इन सबको सजा होनी चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए इन लोगों को। हमको जो 15 तारीख को लोकेशन दिए थे सर ने, वो उधर वर्धम ना, मतलब दावला मिट्टी ना, उस साइड में था मंदिर की तरफ। तो जो इसके कॉलेज फ्रेंड है राहुल, और वो एक और फ्रेंड है, उसका भी नाम राहुल है, ये दोनों हमसे पहले ही वहाँ स्पॉट पे पहुँच गए थे लोकेशन पे। हम उनके बाद आए, 15-20 मिनट बाद आए, तो हमको इन पे ही शक है। और वो उसका कॉलेज फ्रेंड है, और हमने इनकी चैटिंग भी देखी है, ये लोग मतलब झगड़े जैसे चैटिंग कर रहे थे, और इसने टॉर्चर भी किया था उसको, गाली गलौज भी किया था और मारने की भी धमकी दिया था। और निकिता ने इसको ऐसा भी बोली थी कि जो भी है क्लियर कर लो, मतलब ऐसा है। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इन लोग जो आरोपी है, इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्द पकड़ा जाए ये लोग, इनको फांसी की सज़ा देना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए सर। नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ये बोला जा रहा है कि ये मर्डर हुआ, ये हकीकत नहीं है। एक लड़की की जली हुई बॉडी कल वाड़ी सूराबड़ी एरिया में पाई गई थी, उसकी ईडी की इंक्वायरी शुरू है अभी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ समझेगा। लेकिन जो भी तपास अभी तक की गई है, टेक्निकल तपास, उनके जो लोग संपर्क में थे उनसे बातचीत, उसके अनुसार अभी तक जो हमारी फाइंडिंग है, ये एक आत्महत्या का पक्का दिख रहा है। लेकिन फिर भी पीएम रिपोर्ट की हम वेट कर रहे हैं, पीएम रिपोर्ट आने के बाद 100% श्योरिटी के साथ बताया जा सके।